आज हम हैं सासाराम शहर, बिहार का जाना माना और पुराना शहर है, प्राचीन शहर है सासाराम। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त आप सब लाइव आ जाएं। शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक शहर है सासाराम, और आज हम लोग आए हुए हैं, हमारे साथ हैं जयप्रीत सलूजा भी, जो हमारे बिहारी न्यूज के सासाराम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनके साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हैं लाइव आ जाएं। मैं दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से अफ़गानी स्थापत्य कला शैली के माध्यम से सासाराम में ये शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बनाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ इतिहास भी लिखा हुआ है कि शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और वो भारत के महान शासकों में से एक था। मैं बता दूं कि शेर शाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था और उन्होंने भारत की गद्दी पर 5 साल तक शासन किया था। अपने मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने अपना मकबरा बनवा लिया था और अपना रौजा उन्होंने बनाया। और हालांकि उनकी मौत बताई जाती है कि कालिंजर के किले में बारूद के सुरंग में हो गई थी, और उसके बाद उनके शव के अवशेषों को यहाँ दफन किया गया। ये एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है शेर शाह सूरी, और वो एक बड़े अच्छे प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते रहे। आइए हमको ले चलते हैं अंदर। ये है इस मकबरे का एंट्रेंस द्वार, देख लीजिए। ये इस मकबरे का एंट्रेंस है जो पत्थर की नक्काशी, पत्थरों से निर्मित है और पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। पुरातत्व विभाग ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। और रौजा के चारों तरफ तालाब है, देखिए, और ताजमहल से बड़ा तालाब है। और इसका जो गुंबद देख रहे हैं ना, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ा गुंबद इसको कह सकते हैं, बीजापुर के गोल गुंबद के बाद ये बिहार का देश का सबसे बड़ा गुंबद है ये दूसरा। और इसके आसपास जो तालाब देख रहे हैं ना, ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा तालाब है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। फिलहाल हम हैं इसके द्वार पर। हमारे जयप्रीत सलूजा जो बिहारी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी चेक और टिकट कटाना पड़ता है। हमारा टिकट चेक हो गया है। और हमारे, आपका नाम? निरंजन कुमार जी, बहुत अच्छे से यहाँ पर ड्यूटी करते हैं अपनी। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है शेर शाह सूरी के मकबरे का। ये नक्काशी, पत्थरों की नक्काशी, अफगान स्थापत्य कला शैली, ये देखिए काफ़ी पुराना। ये प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से यहाँ देखिए जाल इस तरीके से जो है, जो इसको इस्लामिक शैली का भी नाम दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और अब हम आ गए हैं। ये किसी पुराने बुज़ुर्ग की मज़ार है, जो शेर शाह सूरी की सेना के नायक कह सकते हैं, या इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। ये देखिए प्रवेश द्वार से एंट्री करते हुए शेर शाह सूरी के मकबरे में, और देखिए आसपास का नज़ारा। ये पार्क है चारों तरफ, इसे बाद में बनाया गया। ये जो पार्क है इसको बाद में जो है सरकारी स्तर पर बनाया गया। ये तालाब वगैरह देख सकते हैं इसके, ये देखिए पूरे तालाब के चारों तरफ। ये सासाराम शहर का विहंगम दृश्य भी आप देख सकते हैं यहाँ से। हम धीरे धीरे, इधर भी चारों तरफ तालाब है, चारों तरफ। और मेरे सामने अगर आपकी निगाह जा रही हो तो मैं दिखाऊं कि एक ईदगाह दिख रहा है। ये शाहजहाँ ने बनवाया था, इसे शाहजहाँ ही मस्जिद भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। और शेर शाह सूरी का अपना बड़ा महत्व है सासाराम में। जब बहुत ज़्यादा घूमने के की जगह नहीं हुआ करती थी तो ये पिकनिक स्पॉट भी था। लोग न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करते थे, अपने मैरिज एनिवर्सरी को यहीं सेलिब्रेट करते थे पहले। और बच्चे जब स्कूल कॉलेज से भाग के आते हैं तो वो भी यहीं आते हैं। आपको कई सारी बच्चे मिल जाएंगे अभी हम जैसे ऊपर जाएंगे। ये देखिए अब हम रौजा में एंट्रेंस करते हुए जा रहे हैं, और सासाराम का इसको इकलौता लवर स्पॉट भी कह सकते हैं। प्रेमी जोड़ों का मिलन भी यहाँ खूब होता है और मुख्य कमाई भी यही है। हालांकि प्रशासनिक उदासीनता को देखिए, ये तालाब में कितनी गंदगी है और बहुत सड़ांध की तरह यहाँ महक आती है, बहुत बुरा हाल है। इतने अच्छी विरासत को जो हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे पुरखों ने हमें सौंपा है, उसका ये हाल है, और ये बड़ा बुरा है। देखिए आप, तालाब में बड़ी पूरा कचरा है, गंदगी है, इसको कोई ठीक ठाक करने वाला नहीं है। हालांकि सफाई का इंतज़ाम होता है, लेकिन देखिए
बहुत ही विराट है यह शेर शाह सूरी का मकबरा। अपने ऐतिहासिकता को ये दर्शाता है, देखने के साथ ही लगता है कि शेर शाह सूरी, और ये इसको बिहार के विरासत का, हमारे सासाराम के भी विधायक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, इसके पहले भी वो 2000 में विधायक हुए थे तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से इसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद फिर ये उनकी जो ये कोशिश है प्रमाण नहीं चढ़ पाई, ये अधर में ही रह गया। आप देखिए हमारे जयप्रीत सलूजा जी हैं जो हमें दिखा रहे हैं और पूरा भ्रमण करा रहे हैं हमारा इस शेर शाह सूरी के मकबरे का। आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये अपने आप में इतिहास को समेटता हुआ एक बहुत ही विचित्र इतिहास शेर शाह सूरी, जो इस बिहार की धरती पर जन्मे और जिन्होंने इस हिंदुस्तान पर 5 साल तक शासन किया। उन्होंने हुमायूं को हराया था, मुगल शासक हुमायूं को हराया था उन्होंने। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देखिए कि क्या ऐसे जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारी ऐसी विरासत है, क्या हमें उन्हें संजो कर नहीं रखना चाहिए, क्या उनका संरक्षण हमें नहीं करना चाहिए, और ये हमारी भी जिम्मेवारी है। हर तरफ सरकार नहीं देख सकती। अब देखिए लोगों ने कहीं कहीं गुटखा खाकर थूक दिया है, तो ये तो तय है कि ऐसे धरोहरों का निर्माण दोबारा नहीं हो सकता, तो फिर हम इन्हें संजो भी नहीं। देखिए ये गंदगी, जब हम ऐसा बना नहीं सकते तो इसे बिगाड़ते क्यों हैं? जिस चीज़ को हमें बनाने का अधिकार नहीं उसे हम बिगाड़ भी नहीं सकते। देखिए हम रोजा के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं इस मकबरे के, तालाब चारों तरफ, ये मीनारे हैं, इसको बुर्ज भी कहते हैं। चारों तरफ जो है छोटे छोटे मीनार और बुजुर्ग बुर्ज हैं, और उसके बीच में एक बड़ा सा गुंबद है और वो मुख्य द्वार था, और ये हम सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और सीढ़ियों के अंदर से जो है अब हम यहाँ आ चुके हैं। देखिए ये ऐसे ऐसे जो ये चार मीनारे हैं और चार मीनारों के साथ बुर्ज है किनारे में, तो ऐसे चारों तरफ से चार मीनार हैं जिससे ये रोजा बना हुआ है। जब फर्श देखिए इसका, उसी वक्त का ये फर्श है, बिल्कुल लगता है कि मोजाइक टाइल्स बिछा हुआ है, लेकिन ये टाइल्स नहीं, ये पत्थर ही हैं और उस दौर का। हम आते हैं कैसे ही एक मीनार में, ये देखिए ये मीनार है और हम इसके भी अंदर आ जाते हैं। मीनार से भी आप देखिए ये तालाब, ये झील, और आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट है अंग्रेजी शासन के दौरान बना हुआ, वैसे ही शेरशाही हुकूमत के कालखंड में भी सासाराम को में प्रवेश करने के लिए एक पुराना द्वार बनाया गया था। ये देखिए आप, ये ऐसे मीनारों को हम देख रहे हैं और यहाँ से ये रोजा भी देख सकते हैं। थोड़ा धूप निकला हुआ है तो थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम आ सकती है, और एक बार हम इसके अंदर चले आते हैं। ये बड़ा मीनार यही है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, पत्थरों की नक्काशियों को देखिए, मतलब ये उस वक्त की कलाकारी है। आज ये संभव नहीं, आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स हम देख रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब तकनीक नहीं थी, ये तब की चीज़ें हैं। यहाँ पर जाल लगा दिया गया है सरकार के द्वारा, पहले ये भी खुला हुआ करता था, कई बार इसमें कुछ दुर्घटनाओं की खबरें आईं, उसके बाद से इसे हटा दिया गया। ये देखिए उस दौर का ये पत्थर यहीं से, और सामने आप देख रहे होंगे मेरे, मैं अपने कैमरे को ज़ूम करता हूँ, एक गेट वहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ से साफ नहीं आ रहा, मैं उसको आगे दिखाऊंगा। वो सासाराम का प्रवेश द्वार हुआ करता था, ऐसे ही पत्थरों से बनी कलाकारी और कसीदाकारी थी। और अपने आप में इतिहास को संजोया हुआ यह शेर शाह सूरी का मकबरा भारतीय अफगान कला शैली का एक बेजोड़ नमूना, उत्कृष्ट नमूना। ये देखिए हम यहाँ,
और ये हम लोग दूसरे हिस्से में हैं। ये देखिए यहाँ भी झील रोजा, ये देखिए प्रेमी जोड़ों का भी मिलन स्थल है। खैर हमें उस पर ध्यान नहीं देना, प्रेम करना गुनाह नहीं है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। ये सामने जो दिख रहा है वो पत्थर का द्वार, वो सासाराम का प्रवेश द्वार हुआ करता था, और उसके बगल में सासाराम का वो ऐतिहासिक ईदगाह भी आपको दिख रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से चक्कर मारने लगता है लोगों को, बड़ा ही ऊंचा सा दृश्य है। ये झील है बहुत विशाल, ये किनारे का हिस्सा है, और आप देख रहे हैं हरियाली से इसको, वन पर्यावरण मंत्रालय ने भी बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर, इसको वन से आच्छादित कर दिया। वैसे सासाराम पहाड़ी क्षेत्र भी है, थोड़ी देर में हम लोग पहाड़ का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। अब हम लोग दूसरे हिस्से में हैं। काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आते हैं, पर्यटकों की भी बाढ़ आई रहती है। ये देखिए ऐसे मीनार काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं मुझे, और यहाँ से भी हम जो है ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर के जाए, सीढ़ी से उतरे सर, उतरिए थोड़ा, हम लोग सीढ़ियों से उतर के भी देख लेते हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ भी जो है ये पत्थरों की बिल्कुल चौड़ी और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा यहाँ वो आप देखते रहें, हमारे जयप्रीत सलूजा जी, और वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और मैं भी धीरे धीरे जो है उतरता हुआ। अब हम लोग झील, जो ये तालाब है, उसके भी काफ़ी समीप आ गए हैं। ये तालाब आप देखें, थोड़ा सा गंदगी है, और मैं भी उतर रहा हूँ, इस तालाब की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ तालाब है, हम तालाब के काफ़ी करीब हैं, और मैं इसको डाल नहीं सकता क्योंकि एक तो गंदा भी है, दूसरी ओर थोड़ा थोड़ा ठंड भी है, ठंड तो हालांकि कम हो गया है यहाँ पे। और देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से भी जो है, यही वो सीढ़ियाँ, ये देखिए बिल्कुल किले के सदृश लगता है कि हम किसी किले को देख रहे हैं, बिल्कुल किला, पत्थरों की ये बेजोड़ नक्काशी, बेजोड़ अद्भुत, आप कह उठेंगे वाह, हमारे बिहार में ऐसी भी चीजें हैं कई लोग नहीं जानते हैं। ये देखा जाए, ये देखिए चारों तरफ का ये वातावरण है, और ये हमारे शेर शाह सूरी का मकबरा है। आइए जयप्रीत जी हमें आगे रास्ता दिखाएं कि हमें कैसे चलना है। थोड़ा सा पानी में गंदगी है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, मनोरम दृश्य होता है, और ये अस्थाई समस्या है, ये जो पानी की गंदगी है अस्थाई है, हमेशा ठीक उसको करते रहते हैं, लेकिन गंदगी हो जाता है। पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इस तालाब के किनारे, ये सासाराम शहर का लाइफलाइन हुआ करता था, लोग यहाँ कपड़े धोते थे, लेकिन इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, और उसके बाद ये बंद हो गया। आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल उस किनारे के हिस्से में आ गए हैं इस मकबरे के, जहाँ से सासाराम शहर की शुरुआत होती है। ये देखा जाए, इधर एक मस्जिद है, मजार है, बहुत पुरानी, लोगों का काफ़ी आना जाना लगा होता है, और ये देखा जाए बिल्कुल किले के सदृश। आप शेर शाह सूरी के इस मकबरे को देखिए, मीनारों को देखिए, बुर्ज को देखिए, सामने ये शिव घाट का मंदिर है, यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और आप देखें ये इधर का हिस्सा है, तीसरा, ये एक तरीके से इसको अष्टकोणीय कह सकते हैं, इस
मकबरे का जो आकार है वो अष्टकोणीय है। और आप सामने एक देखिए, इसी रोजे के, इसी शेर शाह सूरी के मकबरे से मिलता जुलता एक और आपको सामने, अगर आप ध्यान दे तो नजर आ रही होगी आपको, ये इनके पिताजी यानी कि हसन खान सूर का मकबरा है। ये भी थोड़ी दूर पर स्थित है, इसे भी हम लोग दिखाएंगे, लाइव करेंगे, और इसका वीडियो भी आप बिहारी न्यूज़ पे देख सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस ऐतिहासिक विरासत के बारे में दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। मेरे दोस्त जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करेंगे तो इस विरासत, इस धरोहर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, जान पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विरासत से रूबरू हों। देखिए, और हमने आपको दिखाया, और दो मिनट और मैं आपका लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन शेयर करें मित्रों। आपके लाइव के नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इसे शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप मुझे भी देख लें, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज़, देख लीजिए। और मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाहूँगा। तो एक बार फिर से जो है, हम इधर के हिस्से में आ गए हैं जहाँ से सासाराम शहर की शुरुआत होती है। और मैं चाहूँगा जयप्रीत जी सीढ़ियों से एक बार हमें रास्ता दिखाएं, और हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं। अब हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ से शेर शाह की मज़ार है, जहाँ पर शेर शाह सूरी चूँकि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद जो है दफनाने का रिवाज है, रवायत है। और हम चलेंगे, और हम सीढ़ियों पर अब चढ़ रहे हैं। बड़ी ही पुरानी सीढ़ियां हैं, लेकिन इन पर चढ़ने का मज़ा है। ये यहाँ सफाई का काम चल रहा है, देखिए। मजदूर लगे हुए हैं और रोजे को खूबसूरत बनाया जा रहा है, सफाई का भी काम चल रहा है। ये हम लोगों ने अभी देखा, पहले ये ब्रश से साफ किया जा रहा है, फिर केमिकल से इस पे जो काई लग जाता है, काई उसे बोलते हैं, उसको साफ किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है और सकारात्मक है कि हम अपने विरासत के संभाल के लिए भी काम करें। ये भी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। तो देख लीजिए आप, हाँ, कहाँ का क्लीन, देखिए ये क्लीन हो गया, दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ पर सफाई का काम पूरा हो चुका है और बहुत ढंग से, अच्छा ये आधा हुआ है, अभी इसमें और होगा। हाँ, देखिए ये काफ़ी जो है इसमें चमक आता जा रहा है, और ये जो टूट गया है बीच रास्ते में, जो क्रैक आया है, उसको भरा जाएगा, वो भरा जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ जहाँ शेर शाह सूरी की मज़ार है, और ये बहुत ही अद्भुत है। हम लोग तो बचपन से घूमने के लिए आ जाया करते थे। को देखा जाए तो अब हम उन सीढ़ियों से, एक और सीढ़ी है इसमें छोटी, जहाँ से जो है हम शेर शाह सूरी के मज़ार पर जा सकते हैं। शेर शाह सूरी जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और वो एक सम्राट थे जिन्होंने शासन प्रशासन को भी नई दिशा दी थी। जीटी रोड बनाने में, जीटी रोड के संस्थापक, डाक सेवा, संचार सेवा, मुद्रा प्रणाली, ये सब उनके योगदान हुआ करते थे। अब हम आ गए हैं उस हॉल के अंदर, ये इसके अंदर आवाज़ें गूंजती हैं, आप देख लें, ये शेर शाह सूरी की मज़ार है। वो शेर शाह सूरी जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, बिहार में जन्मा शेर शाह सूरी, जिसने 5 सालों तक हिंदुस्तान को नई दशा और दिशा दी, हिंदुस्तान को जीटी रोड दिया, पोस्ट ऑफिस दिया, संचार सेवाएँ दी, मुद्रा दी, और शासन प्रणाली की जो तकनीक उन्होंने, जो तंत्र विकसित किया,
उसको आज भी फॉलो किया जाता है हमारे देश में। शेर शाह सूरी, आप शायद ये देख लें, ये उनके सेनापति और उनके परिजनों की भी मज़ार किनारे किनारे हैं, और मैं जहाँ तक आपको दिखा सकता हूँ मेरे कैमरे की निगाह से देखिए आप, ये बहुत ही ऊंचाई पर है, आप इसे कैमरे से ना देखें, ये बहुत ही ऊंचा है। कितना फीट होगा सर? कम से कम 60 फीट, 60 फीट की ऊंचाई पर हम लोग हैं। देख लीजिए ये चारों तरफ जो है ये झरोखे बनाए गए हैं, जालियां, आप देखें इसको, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त उत्कृष्ट वास्तु शैली का नमूना, देखते चले आप। आवाजें गूंजती हैं यहां पे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब मैं चाहूंगा कि हम यहां से बाहर निकल जाएं। एक बार फिर से मैं अंतिम बार आपको दिखा दूं शेर शाह सूरी की यह मज़ार, हमारे बुजुर्ग, हमारे हिंदुस्तान के शासक रहे, हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है कि आज हम उनके मकबरे में हैं। ये देख ले आप एक बार, और हम इसके बाद एक बार फिर से अलविदा कहते हैं। मैं तो यहीं का हूँ तो अक्सर आता जाता रहता हूँ, आप देख लें। हाँ हेलो, तुम फोन कर रहे थे का? ये देख लीजिए यहाँ है। ये बरामदा है, ये इसी बरामदा, ये मज़ार के चारों तरफ का ये बरामदा है, इसमें भी ये सब पूरा पूर्ण रूप से पत्थर से बना हुआ है, इसे देख लिया जाए। और अब हम लोग निकलने वाले हैं, और हम लोगों ने जो है अब शेर शाह सूरी के मकबरे को विदा कहते हुए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर करें। और एक बार फिर से मैं आखिरी आपको जो है ऊपर से दिखा दूं कि यहाँ से चारों तरफ से जो है ये कैसा दिखता है। सासाराम शहर के विहंगम दृश्य को भी देख ले आप, और एक सामने भी आपको मैं दिखा रहा था कि आपको इसी आकृति में, इसी कलाकृति का एक और मकबरा दिख रहा होगा। ये शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूर, जो बहुत ही वीर योद्धा हुआ करते थे, उनका ये जो है मकबरा है, कभी उसको भी हम आपको दिखा देंगे। एक बार इसको देख लीजिए, और अंतिम बार जो है आप शेर शाह सूरी के इस मकबरे को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लाइव तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।